इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स उनके जन्मदिन को पूरे सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज इसी क्रम में बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के द्वारा झांसी में वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को फल वितरित किए गए, जहां पर वृद्धजनों ने फल पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की है। वहीं संस्था में शामिल सदस्यों से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि खुशी का दिन खुशियों को बांटने का होता है। यह नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पखवाड़े के अंतर्गत उन वृद्धजनों से हमने मुलाकात की है तो किसी न किसी वजह से अपने घर को छोड़कर वृद्ध आश्रम में रह रहे हम उन लोगों से मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा और उन्हें फल वितरित किए गए हैं। संगठन के युवा वृद्धजनों से मिले थे जिन्होंने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनको फल वितरित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने वृद्ध आश्रम में रह रहे लोगों की हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। माँ शर्मा है, वृद्धाश्रम में मैं सिद्धेश्वर नगर ITI से वृद्धाश्रम का सहायक प्रबंधक के पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। और जो हमारे इस पूरे वृद्धाश्रम के जो संस्थापक हैं डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी हैं, झांसी में नहीं अभी तो 5 वृद्धाश्रम के चल रहे हैं, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है नैमिषारण, वहाँ भी वृद्धाश्रम चल रहा है। हरदोई में आज वृद्धाश्रम चल रहा है, लखनऊ में वृद्धाश्रम चल रहा है, कानपुर में वृद्धाश्रम चल रहा है और झांसी में 5 वृद्धाश्रम डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी जो हमारे संस्थापक और मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा जो संस्थान है शिक्षोन्नत संस्थान द्वारा संचालित है, समाज कल्याण द्वारा अनुदानित है। तो यहाँ पर जो है सभी लोग 15 लोगों का स्टाफ है और आज आप लोग जो हैं बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के जो छात्र आए हैं वृद्धों को हमारों को सेब और केला फल का वितरण किया है। हम ये बहुत सराहनीय काम है क्योंकि ऐसे लोगों को ही करना चाहिए जिनको ज़रूरत है, जो अपनी औलादों से अपने घर वालों से ठुकराए हुए लोग हैं वो ऐसा आए हैं कुछ। यहाँ तो वृद्धाश्रम की तरफ से संस्था की तरफ से सब व्यवस्था है ही, लेकिन समय समय पर जो ऐसी संस्थाएं सामाजिक सेवा संस्थाएं आती हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है बाबाओं का और दादियों को। तो मैं पूरे वृद्धाश्रम परिवार की तरफ से अपने पूरे पदाधिकारी कर्मचारियों और बाबाओं की तरफ से दादियों की तरफ से जो आपने सेवा वृद्धाश्रम में आके की है उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम पुरुकेश अमरिया है, हम बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाते हुए फल वितरण का आज कार्यक्रम रखा गया था वृद्धाश्रम में। यहाँ काफ़ी बुजुर्गों लोगों से हम लोग सभी मिले, इसी को लेकर हम पूरी युवा टीम हम लोग आज यहाँ पे फल वितरण करने के लिए वृद्धाश्रम में आए हुए हैं ITI स्थित। जी हम लोग बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन की तरफ से हैं, ठीक है। तो आज जो कहते कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो एक सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसमें हम लोग सेवा करने के लिए आए हुए हैं। हमारे सभी सदस्यगण हैं जो कि इस आपके NGO के तहत हैं और हम लोगों ने आज यहाँ पर सेवा की है और हम चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग कर रहे हैं या और लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और इस प्रकार से अपनी सेवा प्रदान करें। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। स्पेस बूम सिटी JTA अप्रूव, शहर के प्रदूषण से मुक्त, हरे भरे शांतिपूर्ण वातावरण में बनाए अपना आशियाना। स्पेस बूम सिटी झांसी का सबसे आधुनिक 24 एकड़ में विस्तृत वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, 3-tier सिक्योरिटी, 24 घंटे पावर बैकअप, बेसमेंट कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एंड प्ले एरिया, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट के साथ लग्जरी प्रीमियम विलास, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्लब, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, हाई क्लास जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। बुंदेलखंड की पहली ऐसी टाउनशिप जहां आपको मिलेगी रिसोर्ट वाली फीलिंग। आलीशान लिविंग स्टाइल के लिए चुने स्पेस मून सिटी, भगवंतपुरा रोड, झांसी। स्पेस मून सिटी।